गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3B का प्रश्न क्रमांक संख्या 26 कराने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले का क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन है आपके पास, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको मान लो समीकरण एक, ये देखो। दूसरा है x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, इसको मान लो समीकरण दो। अब समीकरण एक में देखो, अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसमें एक नंबर बराबर करना है। बराबर करने के लिए देखो, यहाँ b है, यहाँ बी स्क्वायर है। अगर हम इसमें समीकरण एक में 1/b से मल्टीप्लाई कर दे तो ये समीकरण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण, ये देखो, ये विलोपन विधि द्वारा ये काटा जा सकता है। तो हमने क्या करा, पूरे समीकरण में देखो 1/b से गुणा कर दिया समीकरण एक में। जब समीकरण एक में हमने 1/b से गुणा करा तो देखो ऐसा लिख दो, गुणा करें तो आपके पास कितना नंबर आ गया, 1 का नंबर। देखो 1 से x को मल्टीप्लाई करा तो x, नीचे b से मल्टीप्लाई करा तो ab आ गया। फिर देखो यहाँ पर y, यहाँ पर आपका b से b को मल्टीप्लाई करा, b स्क्वायर आ गया। फिर देखो अब इस b से 1/b से हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई करा, देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने आपको ये देखो ये करके दिखाया, आप देखो कि 1/b है, 1/b को सबसे पहले अगर हमने a से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, देखो 1 को a से मल्टीप्लाई करा a हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो गया, b हो गया। ऐसे ही इसमें देखो 1/b को हमने b से मल्टीप्लाई करा तो b मल्टीप्लाई 1/b, ये देखो b था ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, b1 सा b, देखो b से b कट गया तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, यानी ये नंबर आ गया 1। वही देखो यहाँ पर हमने लिखा, पहला वाला a/b आ गया और दूसरा वाला कितना, दूसरा वाला हमारे पास आ गया जिसको b से मल्टीप्लाई करा तो b किस में बदल गया, 1 में। ये इसको नाम दे दो आप समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाने पर, बच्चों ये विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल कर रहे हैं। समीकरण 3 आपके पास क्या था, ये वाला समीकरण और समीकरण 2, इसमें देखो दोनों नंबर आपके y/b², यहाँ पर भी y/b² बराबर हो गया ना। तो जब ये दोनों नंबर बराबर हो गए, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी चाहे एक x के या y के टर्म को बराबर करना रहता है। हमने y के टर्म को बराबर कर लिया, देखो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, कितना बचा आपके पास, देखो x, नीचे साइन देखो चेंज, जो भी प्लस साइन रहता है उसको साइन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब x अपॉन में ए बी, यहाँ देखो x और अपॉन में ए बी, फिर नीचे माइनस का साइन है ना, तो माइनस और कितना x ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। फिर देखो इक्वल a अपॉन बी, ये देखो ये a अपॉन बी, आप अगर देखो यहाँ पर a प्लस बी कैसे आया, इसका हम यहाँ मान लो यहाँ 1 है अपॉन में, एलसीएम हो गया तो कितना हो गया, दोनों में b हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया a, यहाँ तो देखो b, सिर्फ दोनों तरफ b थे ना, तो जब हम निकालते हैं नंबर में तो देखो यहाँ पर b है ही, ऊपर का नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसको b से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया। ऐसे आप देखो मैं आपको समझा रही हूँ कि 1 को अगर हमने b से मल्टीप्लाई करा तो हम ऊपर भी तो b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को b से मल्टीप्लाई करा तो b हो गया, यानी a प्लस बी अपॉन में 2। अब यहाँ नीचे जो नंबर था देखो माइनस का माइनस, और ये 2 हो गया, अपॉन में नीचे हमने अपॉन में 1 लगा दिया। अब इन दोनों नंबर में देखो x x दोनों में, अगर हम x कॉमन ले लें, जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x आपने ले लिया तो आपके पास देखो यहाँ पर x की जगह पर 1 हो गया, नीचे आपने वैसे का वैसे लिख दिया। फिर देखो माइनस x की जगह पर 1 और नीचे a स्क्वायर, यहाँ पर देखो अब ये दोनों में फिर भी वही जो ऊपर हमने करा था एलसीएम, सेम वही। फिर देखो यहाँ पर हमने इसको फिर b से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना हो गया, ये तो ए बी है ही, यहाँ कितना हो गया, नीचे b से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मान के चलो b से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2b, ये देखो माइनस का 2b आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो देखो यहाँ आपके पास नंबर हो गया, अब ये देखो 1, 2b में से 1b आपने काट दिया तो आपके पास कितना बचा, बड़ा नंबर माइनस का है ना, तो माइनस का b। फिर से समझो, आपके पास 2b है, 2b में से आपने 1b हटा दिया तो आपके पास कितना बचा, माइनस का b, यानी a माइनस b, इस वाले को ऐसे का ऐसे रख दो। यहाँ देखो अब इन दोनों ab और a स्क्वायर, जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया आपके पास a स्क्वायर और b, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास a माइनस b,
जब इसको इसका दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा तो यहाँ हो गया ए माइनस बी, इधर भी ए माइनस बी था, ए माइनस बी कट गया, इस बी से ये भी कट गया, तो वैल्यू कितनी आगे बचा, कितना एक्स की वैल्यू आई, ए स्क्वायर। अब एक्स का मान जो हमारे पास निकला इसको समीकरण दो में रख दो। समीकरण दो आपके पास क्या है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल्स टू टू। एक्स की वैल्यू हमने रख दी, ए स्क्वायर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, तो जब ये दोनों कटा तो बच्चों देखो एक्स ए स्क्वायर वन जा ए स्क्वायर यानी वन आ गया। अब ये वन, यहाँ देखो ये वन आपके पास कितना बचा, वाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू। अगर हमने यहाँ देखो ये पूरा नंबर वन हो गया, वन प्लस वाई और अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू, ये वन दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी दो में से एक माइनस हुआ तो बचा आपके पास वन, यानी वाई अपॉन बी स्क्वायर और वन। अब वन नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, बी देखो वाई अपॉन बी स्क्वायर वन जा बी स्क्वायर, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर। बच्चों हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर। अब बच्चों मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ अगले वीडियो में, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर देना जैसे आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाए। बाय बच्चों।